द हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने शुरुआती 2 वनडे मैचों के लिए अलग ही टीम चुनी है, जबकि तीसरे वनडे के लिए चुनी गई टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो विश्व कप की टीम में है। हालांकि रविचंद्र अश्विन तीसरे वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया का हिस्सा है, वह लंबे समय के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने आखिरी वनडे मैच जनवरी 2022 में खेला था। जून 2017 में भारतीय वनडे टीम से बाहर होने के बाद अश्विन ने पिछले 6 साल में सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं। अक्षर पटेल तीसरे वनडे के लिए टीम में है, लेकिन उनकी फिटनेस संदेह के घेरे में बनी हुई है। अगर वह फिटनेस नहीं होते हैं तो अश्विन या वाटिंदर सुंदर को मौका मिलेगा। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए विश्व कप की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम है। दोनों टीमों ने सीरीज में विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला जो कि 22 सितंबर को मोहाली में होगा, वहीं दूसरा मुकाबला जो कि 24 सितंबर को इंदौर में खेला जाएगा और तीसरा मुकाबला जो कि 27 सितंबर को राजकोट में होगा। इसके बाद यही दोनों टीम विश्व कप में 8 अक्टूबर को आमने सामने होगी। विश्व कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले से पहले अपनी शुरुआत अच्छी चाहेगी। ऐसे में इंडिया का मनोबल अभी इंडिया ने एशिया कप अपना जीत के आई है, जिसके कारण इंडिया का मनोबल और मनोवैज्ञानिक रूप से उसका मनोबल हाई है और इसे ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगी और ऑस्ट्रेलिया इसके सामने ढेर हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको ये बता दूँ कि इस बात के लिए शुक्रिया करता हूँ। प्लीज़ चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन दबाकर नोटिफिकेशन का घंटी ऑन कीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूं आपको वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो और आपको सूचना मिले। धन्यवाद।